आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं फिर। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं बुलेट के अंदर जीपीएस। ये रॉयल इनफील्ड है, बुलेट नहीं है ना ये भैया? बुलेट बुलेट नहीं है ना ये? हाँ जी, बुलेट इलेक्ट्रा। बुलेट इलेक्ट्रा, ओके। रॉयल इनफील्ड, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाइकों की, जीपीएस लगाना आता है बस बढ़िया से, इसी है मास्टरी है। देखिए सबसे पहले हम एक आपका, सबसे पहले तो हमें हेडलाइट खोलनी है। हेडलाइट खोलने के लिए ये सिर्फ ऊपर का एक नट है, इसको हल्का सा ढीला करेंगे और ये अपने आप बाहर आ जाएगा। हल्का सा ढीला करना है, ज़्यादा कर दोगे तो ये धड़ाम से करके गिरेगा नीचे। ये घुलने के बाद ये चाबी देख लीजिए, इसके पीछे से वायर आ रहे होंगे, दो वायर होंगे ये यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये आया और ये, मैंने इसको पकड़ लिया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें लेंगे मीटर, मीटर से चेक करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, मैं एक्चुअली काम लगभग कंप्लीट कर रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। ये मैंने अर्थ लगा लिया है पहले ही, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें हमारा जीपीएस का ब्लैक वायर लगेगा। ये पूरा नट मैंने खोला है इसको, ठीक है, फिर इसके अंदर खोल के कंप्लीट खोला है, निकाला है, क्योंकि उससे वैसे अर्थ लगेगा नहीं है, काफ़ी कोशिश कर ली नहीं लगा था। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको लपेटा, फिर इसको नट लगाया, ऊपर से गोल बना के डाला उसको वायर का, उसके बाद ऊपर से नट लगाया, ये वायर हमारी बाहर आ गई, मैंने इसमें जीपीएस का लगा दिया ब्लैक। और इस टाइम ये जीपीएस जो है आपका चालू भी है। तो अब हम देख लेते हैं बॉडी अर्थ ये रहा आपका, इसको हम इसमें टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और अभी चाबी बंद है तो एक में डायरेक्ट आता है, एक में एसीसी आता है। ये आपका एसीसी है, इसमें हमने ऑरेंज वायर लगा दिया जीपीएस का, ये है डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली मैं बता दूँ, डायरेक्ट हमेशा रेड कलर का होता है जीपीएस के अंदर, एसीसी जो है ऑरेंज, ग्रीन या वाइट, तीन में से किसी एक कलर का होता है। ठीक है, या आप हमसे जब खरीदेंगे या किसी से भी लेंगे तो आप एक बार पूछ लीजिए कि एसीसी कौन सा है। तो इसमें लगेगा एसीसी आपका, इसमें लगेगा डायरेक्ट। अब एसीसी इसमें लगेगा, इसमें आ रहा है अभी ज़ीरो, हम कन्फर्म कर लेंगे एक बार। वैसे जब आप चेक करेंगे तो कपलर में इस साइड से चेक करिए, ये अंदर से ऐसे करके डाल के चेक करिए, एक्चुअली मैंने तो कनेक्शन कर लिए थे तो मैं डायरेक्ट ये चेक करता हूँ। इसमें भी आ नहीं रहा है, चाबी ऑन करने के बाद इसमें करंट आएगा। चाबी लगी है, अब देख लीजिए चाबी दिखाई, हमने ऑन कर दी, लाइट जल गई। और ये इसमें नहीं आ रहा था, अब आ गया। ठीक है, ये अब हम चाबी ऑफ करेंगे, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती इसके अंदर रिले लगानी ही लगानी है तो रिले लगेगी इसके अंदर, ये वायर आपका कट होगा डायरेक्ट वाला। ठीक है, इसी के अंदर रिले लगेगी, इसके अंदर रिले लगाओगे तो गड़बड़ होगी। और इसमें थोड़े रिले के कनेक्शन थोड़े टिपिकल होते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा रिले मत लगाओ, क्योंकि रिले लगाने के बाद उसको छुपाना इसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रिले लगने के बाद जो है वायरिंग काफ़ी फैल जाती है, तो उसको समेटना ये सब सब दिक्कत होती है देखो। ठीक है, और रिले जो है आपका बैटरी कंज्यूम करती है। और जी, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको बता दिया, या इसमें एक ये होता है रिले का वायर, इसको हम खाली छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हम इसमें रिले अभी भी नहीं लगा रहे हैं। अब मैं इसको सारा टेप कर दूँगा और जीपीएस हम लोग छुपा देंगे। और जीपीएस के जो बाइक के जो जीपीएस हैं थोड़े से महंगे आते हैं, अलग आते हैं, वो क्या होता है कि बैटरी कंज्यूम नहीं करते हैं। नॉर्मल जीपीएस सस्ते लोगे ज़्यादा तो आपकी बैटरी कंज्यूम करते हैं, ये दिक्कत होती है सर। और इसकी टेप करते टाइम आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने इसकी टेप ढंग से नहीं करी
तो कल को अगर ये छूट गई गलती से और कहीं टच हो गई है तो पूरी बाइक की वायरिंग जो है वो, वैसे तो फ्यूज़ उड़ता है, इसमें फ्यूज़ उड़ा देगा, ठीक है, वरना अगर फ्यूज़ किसी ने पहले ही इसका निकाल रखा होगा तो फिर आपका पूरी वायरिंग ही शॉर्ट हो जाएगी, फिर आपको कंपनी ही ले जानी पड़ेगी गाड़ी। बस टेप थोड़ा ढंग से करना है इसको, और ज़्यादा टेप लगा के ढीला ढीला लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख लीजिए चल गया है जीपीएस हमारा, हम इसको भी थोड़ा टेप कर देंगे। और अर्थ लगने की ज़्यादा जगह नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आप इस नट को खोल के इसमें लगाएं, ठीक है, उसके बाद कहीं भी लगाएंगे तो इम्प्रॉपर अर्थ आता है उसके अंदर। अब हम इसको छुपा देते हैं, इसको थोड़ा सा तरीके से छुपाना है, ये साइड दिस साइड अप लिखा है ना, ये ऊपर रखनी है हमको, इस तरीके से छुपाना है ताकि इसमें पानी भी ना जाए। ये हमारी कंपनी का नाम है, पकड़ी इसको दोस्तों। इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बता देता हूँ, वो ये मेरे को अभी भी ध्यान आया कि हमने जो कनेक्शन किए हैं ना, ये इस साइड किए हैं, इस साइड वायरिंग करी है हमने, तो हमें इस साइड ही करनी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी भी लॉक ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो ये साइड चेंज होती है, यहाँ से इधर से उधर की यूनिट चेंज हो जाएगी आपकी, प्रदूर करके ये जो यूनिट है ना ये चेंज होगी, तो मतलब आपका GPS कभी टच नहीं होगा, कोई नहीं छेड़ेगा आपका GPS। अगर इधर लगा दोगे तो जब भी आपकी अगर चाबी अभी बननी नहीं बननी कुछ भी आपको ये चेंज करना पड़ेगा तो आपका GPS निकल जाएगा, और जो लॉक चेंज करेंगे वो GPS कभी नहीं लगाते वापसी, वो वैसे ही छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। ये आपका काम पूरा हो चुका है, अब हम इसको पैक कर देंगे। इसकी हेडलाइट है, इसकी हेडलाइट खोलना तो बहुत ही ईजी काम है। एक वो कपलर कहीं लगा तो नहीं था ना? नहीं नहीं खाली, दो कपलर खाली हैं ये, ये खाली होते हैं। जब कोई और लाइट वाइट लगवाओगे ना कभी तो उसमें काम आ जाएंगे ये, कोई और लाइट वगैरह लगवाओगे। अब इसको कस देंगे हम लोग, और ये हमारा GPS लग चुका है। अब देख लीजिए किसी भी साइड से आपका GPS नहीं दिखेगा आपको, देख लीजिए कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंस्टॉल द GPS, ये GPS लगाने से अच्छा तरीका है। बस हो गया सर, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको बल्क रिक्वायरमेंट है GPS की तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जीपीएस लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99 जीपीएस लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती दिखेंगी, ग्रीन रेड, और ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।